यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल लिखा है ए और बी, ये किसी भी क्रम यानी ऑर्डर के हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके विकर्ण अवयव, अधिश अवयव और इकाई अवयव। इनमें आप ध्यान से समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकर्ण अवयव की अगर हम बात करें तो एक ऐसा वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव के फॉर्म में कहे जाएंगे, क्योंकि विकर्ण केवल वर्ग अवयव में ही बनेगा। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, अशून्य का मतलब होता है शून्य ना हो और शेष सभी शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं तीन एग्जांपल ए बी और सी। अगर आप इसमें देखें तो अवयव समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और बन बन भी हो सकते हैं, तीनों ही आपके विकर्ण अवयव हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर आप देखें तो अधिश अवयव में आपको मिलेगा। एक ऐसा विकर्ण अवयव यानी कहने का मतलब कुछ विकर्ण अवयव अधिश अवयव बन जाते हैं होते हैं, लेकिन सभी अधिश अवयव विकर्ण अवयव नहीं होते हैं। ये कथन भी आप याद रखेंगे। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें कि सभी विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष शून्य हो, तो ऐसे अवयव को अधिश अवयव कहते हैं। यानी कहने का मतलब उन विकर्ण अवयव को जिसमें देखे गए विकर्ण एलिमेंट जो हैं, अवयव जो हैं, वो आपके क्या हो, समान हो। जैसे कि बी और सी, तो बी और सी जो हैं वो आपके क्या हैं, अधिश अवयव भी हैं और विकर्ण अवयव भी हैं। इसके बाद आता है इकाई अवयव। एक ऐसा अधिश अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक हो यानी यूनिट हो और बाकी सभी शून्य शून्य हो, तो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। या ये आपका यूनिक होता है, ये केवल एक ही हो सकता है और ये इकाई अवयव अधिश अवयव भी कहलाता है और विकर्ण अवयव भी कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अवयव के प्रकार। उसके बाद आप देखेंगे अवयव की समानता। अगर कोई भी दो अवयव आपस में समान दिए हैं ए और बी, तो लिख के उनके समान होने की कंडीशन केवल कंडीशन ये होंगी कि उनका क्रम समान हो, उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो और उनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब है कि ए बन बन के बराबर हो, ए बन टू के बराबर हो, इस टाइप से अवयव समान होने चाहिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर सकते हैं, तो इसको आप नोट करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एक अवयव दिया गया है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, पूछा है कि इसमें अवयव की कोटि कितनी है। तो कोटि का मतलब क्रम से होता है, इसमें चार स्तंभ है और तीन पंक्ति है, तो 3×4 इसका क्रम होगा। उसके बाद लिखा अवयव की संख्या, तो 3×4 ये अवयव की संख्या है। अगर हम बात करें अवयव A13 की, तो A13 का अवयव यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो 19 है। A21